मल्टीप्लेटेड ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। डाबलिंग के 3 पॉइंट ऑटोमेटिकली डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल वार के साथ में आते हैं। ड्यूटी कंपनी फिटेड डुअल डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब मिल जाते हैं। एक्टिंग हाइड्रोलिक पावर स्टेरिंग मिल जाती है। कंपनी फिटेड 50 kg का फ्रंट बम्पर मिल जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉन एडजस्टेबल कंपनी फिटेड फ्रंट एक्सल मिल जाते हैं। और पावर स्टेरिंग के अंदर काफी ज्यादा शानदार परफॉर्म के साथ में आने वाले डुअल पंप मिल जाते हैं। इंडिया के काफी ज्यादा ट्रस्टेड ब्रांड सोनालिका कंपनी के इंजन के साथ में आता है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हुए हैं इंडियन ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर आने वाले 50 HP ट्रैक्टर का फुल डिटेल रिव्यू वीडियो। इस ट्रैक्टर में जो है सोनालिका की तरफ से सोनालिका का काफ़ी ज़्यादा दमदार और पावरफुल इंजन आता है। इस ट्रैक्टर में मिलती है आपको 210 Nm की मैक्सिमम टॉर्क, जो कि इस श्रेणी में काफ़ी ज़्यादा शानदार परफॉर्म करने के लिए जानी जाती है। और जिस ट्रैक्टर में इस श्रेणी में या अपनी श्रेणी में जितनी ज़्यादा टॉर्क मिलती है, उस ट्रैक्टर की पावर परफॉर्मेंस साथ में उस ट्रैक्टर की खिंचाई आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने के लिए मिलने वाली है। तो चलिए इस ट्रैक्टर का फुल डिटेल रिव्यू स्टार्ट करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर यदि हम बात करें इस ट्रैक्टर में स्टेयरिंग के अंदर, तो कंपनी ने जो है आपको इस ट्रैक्टर में सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग दी हुई है। और इस ट्रैक्टर की स्टेयरिंग में आप देख सकते हैं सेफरेट ऑयल बॉक्स लगा के दिया हुआ है कंपनी ने, जिससे इस ट्रैक्टर की स्टेयरिंग लंबे समय तक स्मूथ परफॉर्मेंस के साथ में वर्क करेगी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस ट्रैक्टर की जो पावर स्टेयरिंग में ऑयल जाता है सेफरेट जाता है, है ना। तो सेफरेट आता है, सिर्फ स्टेयरिंग का ऑयल है ये। और इंजन ऑयल जो है आपका इस ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक और गियर बक्सा ऑपरेट करने के लिए कंपनी इस ट्रैक्टर में प्रोवाइड कराती है। बात करेंगे यदि हम इस ट्रैक्टर में बैटरी की, तो यहाँ पर जो आपको इस ट्रैक्टर में 12 वोल्ट 88 AH की एक्साइड और एमरॉन कंपनी दोनों कंपनी की बैटरी ऑप्शन के साथ में इस ट्रैक्टर की बैटरी आती है। फ्रंट बम्पर की यदि हम बात करेंगे, तो यहाँ पर कंपनी जो है आपको इस ट्रैक्टर में 50 kg का हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड फ्रंट बम्पर देती है। और इस ट्रैक्टर के फ्रंट बम्पर को आप 2 क्विंटल तक एनहेंस कर सकते हैं। बात करेंगे इस ट्रैक्टर की यदि हम फ्रंट एक्सल के अंदर, तो यहाँ पर कंपनी ने जो है आपको इस ट्रैक्टर में नॉन एडजस्टेबल स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि सीधे वाले फ्रंट एक्सल ऑफर किए हुए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर कंपनी ने जो है आपको इस ट्रैक्टर में ड्राई टाइप डुअल एलिमेंट वाला एयर फिल्टर ऑफर किया है। और इस ट्रैक्टर का एयर फिल्टर भी कंपनी आपको चोक सेंसर के साथ में ऑफर करती है। दोस्तों इस ट्रैक्टर का रेडिएटर आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा आपको कंपनी इस ट्रैक्टर में रेडिएटर ऑफर करती है विथ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जाली के साथ में। और इस ट्रैक्टर का जो रेडिएटर है काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से वर्क करता है कूलेंट सिस्टम के अंदर, क्योंकि इस ट्रैक्टर का रेडिएटर एक तो आपको काफ़ी बड़ा मिलता है, ऊपर से इस ट्रैक्टर की एयर जो है ना, एयर डिलीवर है और एयर एंटर एग्जिट है, वो काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से इस ट्रैक्टर के रेडिएटर में लगती है। साथ ही इस ट्रैक्टर का जो आपको अल्टरनेटर मिलता है, यहाँ पर कंपनी ने जो है आपको इस ट्रैक्टर में 12 वोल्ट 42 MPL का अल्टरनेटर दिया हुआ है। हाइड्रोलिक और पावर स्टेयरिंग के अंदर कंपनी आपको यहाँ पर डुअल पंप ऑफर करती है, जिससे आपको पावर स्टेयरिंग और हाइड्रोलिक के अंदर भी जो कार्य करने का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलने वाला है, क्योंकि डुअल पंप हैं तो आपको इनकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर हाइड्रोलिक के अंदर कंपनी ने जो है आपको इस ट्रैक्टर में सेफरेट ऑयल फिल्टर ऑफर किया हुआ है, जिससे इस ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक में बेस्ट क्वालिटी का ऑयल फिल्ट्रेशन होके जाता है। यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक के अंदर एक और स्टेनर ऑयल फिल्टर मिल जाता है। और इस ट्रैक्टर के डिस्क ब्रेकिंग के अंदर बात करेंगे, मल्टीप्लेटेड ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक ऑफर करती है कंपनी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ट्रैक्टर में जो है इंटरनेशनल ट्रैक्टर LTD की जो है बैजिंग, ये देख सकते हैं मैनुफैक्चरिंग मिलती है। साथ ही डोजर वगैरह की पॉइंटिंग की बात करेंगे, तो यहाँ पर कंपनी जो है आपको ट्रैक्टर में देख सकते हैं डोजर वगैरह की पॉइंटिंग की भी प्रोविजनल करा के देती है। और दोस्तों अब हम बात करेंगे इस ट्रैक्टर में इंजन के अंदर, क्योंकि किसी भी ट्रैक्टर का इंजन बहुत अहम भूमिका निभाता है। यहाँ पर जो आपको इस ट्रैक्टर में बॉश कंपनी का फ्यूल इनलाइन साथ में वाटर सेपरेटर की पोजीशन मिल जाती है। दोस्तों इस ट्रैक्टर में जो आपको बॉश कंपनी का फ्यूल इनलाइन पंप मिलता है। इस ट्रैक्टर में यदि हम इंजन की बात करेंगे, तो इस ट्रैक्टर में जो आपको 50 HP 3 सिलेंडर वाटर कूलेंट इंजन मिल जाता है, जो कि 540 से लेकर 2000 रेटेड स्टैंडर्ड RPM तक वर्क करता है। और इस ट्रैक्टर में जो आपको 4-स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन नेचुरली स्प्रेडेड डीजल इंजन ऑफर करती है कंपनी, जो कि 210 Nm की मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है। इस ट्रैक्टर का जो बोनट है सिंगल पीस बोनट मिल जाता है, जिसमें आपको डुअल शॉक फोल्डर बार मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लाइफ के साथ में आते हैं। चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो में जो इस ट्रैक्टर का फुल डिटेल रिव्यू कर रहे हैं, यह है सोलिस की तरफ से आने वाला सोलिस का 50-15, जो कि इंडिया में इस समय काफ़ी ज़्यादा किसानों की नंबर वन डिमांड बना हुआ है। इस ट्रैक्टर की जो आपको टॉर्क मिलती है अपनी श्रेणी में काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम टॉर्क मिलती है, मतलब इससे ऊपर यदि हम बात करेंगे तो 5, 6, 7 और ज़्यादा मैक्सिमम टॉर्क वाले ट्रैक्टर मिलेंगे। बट इस ट्रैक्टर का जो 210 Nm का टॉर्क है वो काफ़ी ज़्यादा इनफ है इस श्रेणी के हिसाब से। फ्रंट में वही सोलिस का डेलीकेटेड लोगो मिल जाता है शानदार बैजिंग के साथ में। यहाँ पर बात करेंगे तो 50-15 की बैजिंग मिल जाती है, गोल वाला साइलेंसर मिल जाता है, जो कि
काफ़ी बेस्ट क्वालिटी की नॉइसेशन के लिए जाना जाता है और इस ट्रैक्टर का जो फ्यूल कंजप्शन है काफ़ी कम निकल के आता है श्रेणी में। बात करें टायर साइज के अंदर तो यहाँ पर कंपनी आपको इस ट्रैक्टर में सीएट के टायर ऑफर करती है, अगला टायर 750/16 का मिल जाता है और पिछला टायर की यदि हम बात करेंगे तो इस ट्रैक्टर में सीएट का पिछला टायर 14-9 और साथ में 16-9-28 दोनों टायर ऑप्शन के साथ में मिल जाता है। यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर में टूल वगैरह स्टोरेज करने के लिए लोहे का टूल बॉक्स ऑफर करता है सोलेस और इस ट्रैक्टर के जो आपको मतलब फुट स्टेपर मिलता है इंजन से कनेक्ट करके दिया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लाइफ के लिए जाना जाता है। ये ट्रैक्टर आता है 5 ईयर इंजन मैनुफैक्चरिंग वारंटी के साथ। यहाँ पर जो आपको इस ट्रैक्टर का हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड ड्राइवर ग्रैब हैंडल मिल जाता है और यहाँ पर हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड पैसेंजर ग्रैब हैंडल विथ एक्स्ट्रा कुशन गद्दी के साथ में ऑफर करता है सोलेस। और यहाँ यदि हम बात करेंगे तो एलईडी लाइट और ब्रेकिंग लाइट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो है सोलेस आपको इस ट्रैक्टर में ऑफर करता है। साथ ही दोस्तों इस ट्रैक्टर में जो आपको 55 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है जिससे आप इस ट्रैक्टर को दिन भर बड़े ही आराम के साथ चला सकते हैं और ये ट्रैक्टर इंडिया में मेड इन इंडिया और साथ में जापान के साथ कोलाब्रेशन करके इंडिया में लॉन्च किया जाता है। बात करें यदि हम इस ट्रैक्टर में सेफ्टी के लिहाज से हाइड्रोलिक लॉक की तो यहाँ पर कंपनी ने आपको इस ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक लॉक भी प्रोवाइड कराया हुआ है जिससे आप इस ट्रैक्टर की लिफ्ट स्लो और स्पीड बढ़ा सकते हैं। यदि हम इस ट्रैक्टर में बात करें स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन के अंदर तो यहाँ पर जो आपको इस ट्रैक्टर में इंजन के अंदर 250 और 146 किलोवाट की और साथ में पीडीयू के अंदर 34.2 किलोवाट की इंजन स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन से निकल के आती है और यहाँ पर कंपनी ने जो आपको इस ट्रैक्टर में एकदम फ्लैट प्लेटफॉर्म ऑफर किया हुआ है। चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ, बात करेंगे और भी ज़्यादा फीचर्स की। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर हम यदि इस ट्रैक्टर में बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपको इस ट्रैक्टर में फ्यूल इफिशेंसी, ट्रैक्टर के आरपीएम, साथ में ट्रैक्टर के टोटल ड्रिविन घंटे और समय और साथ में यहाँ पर जो आपको इस ट्रैक्टर में ट्रैक्टर के टोटल टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, साथ में गियर इंडिकेटर, बैटरी सर्विस रिमाइंडर जैसे 11 तरह की आपको इन्फॉर्मेशन इस ट्रैक्टर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिलती है। ड्राइवर के राइट तरफ यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपको इस ट्रैक्टर के नंबर ऑफ गियर 5 मिल जाते हैं। ड्राइवर के लेफ्ट तरफ यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपको इस ट्रैक्टर में लो हाई का गियर मिल जाता है। यहाँ पर जो आपको इस ट्रैक्टर में 540 स्टैंडर्ड आरपीएम में वर्क करने वाला मल्टी गियर स्पीड पीडीयू, साथ में रिवर्स पीडीयू और यहाँ पर जो आपको इस ट्रैक्टर में डायरेक्ट और रिवर्स पीडीयू और साथ में इंडिपेंडेंट क्लच मिल जाता है। बात करेंगे यदि हम इस ट्रैक्टर में ब्रेकिंग के अंदर तो यहाँ पर जो आपको इस ट्रैक्टर में मल्टीप्लेटेड ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक ऑफर करती है कंपनी और क्लच के अंदर यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपको इस ट्रैक्टर में सिंगल क्लच मिल जाती है ट्रांसमिशन के लिए और पीडीयू के लिए सिंगल क्लच। चलिए बात करते हैं अब हम इस ट्रैक्टर को स्टार्ट करके इस ट्रैक्टर के टर्निंग रेडिएशन की। शायद लीवर खिंचा हुआ है, टर्निंग की बात करते हैं, काफ़ी शानदार टर्निंग रेडिएशन है 50 एचपी की श्रेणी में इस ट्रैक्टर का। आरपीएम की बात करेंगे 2000 रेटेड आरपीएम क्लेम करती है। इंजन का टफ लीवर यहाँ मिल जाता है, मोबाइल चार्जिंग कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपको इस ट्रैक्टर में 12 वोल्ट की मोबाइल चार्जिंग कनेक्टिविटी मिल जाती है, साथ में एलईडी लाइट और ब्रेकिंग लाइट का यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर में हॉर्न वगैरह का कारों की तरह कंट्रोल मिल जाता है। चलिए अब हम चलते हैं इस ट्रैक्टर से नीचे, बात करेंगे और भी ज़्यादा पिछले हिस्से की फीचर्स की। टोटल इस ट्रैक्टर में जो है बात करें यदि गियर की तो टोटल 10 फॉरवर्ड 5 रिवर्स फुली साइड स्लिप कांस्टेंट एंड पार्शियल मैक्स गियर बॉक्स ऑफर करता है सोलेस और इस ट्रैक्टर के जो आपको फेंडर मिलते हैं यहाँ पर गैप काफ़ी अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है जिससे इस ट्रैक्टर के फेंडर मचगुआ करते समय नहीं बुझते। चलिए बात करेंगे इस ट्रैक्टर में पिछले हिस्से की फीचर्स की तो यहाँ पर जो आपको इस ट्रैक्टर में देख सकते हैं सोलेस का डेलिकेटेड लुक मिल जाता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब प्लीज़। चलिए बात करेंगे पिछले हिस्से के फीचर्स की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड डुअल डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब मिल जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब का जो लीवर है यहीं पर मिल जाता है जिससे आप इस ट्रैक्टर के डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब को आगे पीछे दोनों जगह से कंट्रोल कर सकते हैं और इस ट्रैक्टर की जो है यहां पर फेंडर ना फैले इसलिए हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड पाइप अटैच करके दी जाती है। साथ में यहां पर जो आपको इस ट्रैक्टर में 2 लीटर तक का वाटर स्टोरेज, यहां पर रिफ्लेक्टर की पोजीशन, साथ में एलईडी लाइट जैसी कनेक्टिविटी के लिए सेपरेट सॉकेट बार और इस ट्रैक्टर में जो आपको टापलिंग फंसाने के लिए 3 पॉइंट मिलते हैं जो कि फुली ऑटोमेटिकली डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार के साथ में आते हैं। साथ ही दोस्तों ये ट्रैक्टर आता है 50 एचपी के साथ में और इस ट्रैक्टर में मिलता है 46 एचपी का मल्टी गियर स्पीड पीटीयू विथ रिवर्स पीडीयू
जो कि 10 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर ऑप्शन के साथ में आता है। साथ ही यहाँ पर जो आपको उस ट्रैक्टर में देख सकते हैं गोल वाली हेलोजन लाइट मिल जाती है, जो कि आपको नाइट में काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी देगी। नंबर प्लेट विथ इंडिकेटर मिल जाता है कंपनी फिटेड हैवी ड्यूटी के अंदर। और इस ट्रैक्टर में ऑलमोस्ट 2000 से लेकर 2200 केजी की बेहतर क्षमता वाली लिफ्ट कैपेसिटी ऑफर करता है सॉलिस। तो दोस्तों आशा करते हैं सॉलिस की तरफ से आने वाले सॉलिस 50-15 की खूबियों से भरी ये फुल डिटेल रिव्यू वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान जय किसान।